मध्य प्रदेश के ज्यादातर शहरों में तेज बारिश हो रही है। नर्मदा, चंबल, बेतवा, ताप्ती, शिप्रा उफान पर है। छोटी नदियां और नाले भी उफनाए हुए हैं। कई बांधों के गेट खोलने पड़ गए हैं। भोपाल में दो दिन से लगातार बारिश के कारण भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी कर दी। भोपाल के तीनों बांध कलियासौद, भदभदा और कोलार के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। प्रदेश में 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश रायसेन में 7 इंच रिकॉर्ड हुई। मंदसौर में शिवना नदी उफनाने से पशुपतिनाथ मंदिर में पानी आ गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर से प्रदेश के सभी बांधों के जलस्तर की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने नर्मदापुरम कमिश्नर के साथ ही भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर कलेक्टरों से बात करके बारिश से प्रभावित इलाकों की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएसटीवी भोपाल।